नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को लगने लगा है जायसवाल से डर। दोस्तों ये बात मैं एकदम सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल का गेम जो है वो अलग लेवल का है, क्योंकि वो बेसबॉल टाइप में क्रिकेट खेलते हैं और उनका वो बेसबॉल टाइप का क्रिकेट इंग्लैंड के लिए ही सामत बन गया था, जो बेसबॉल के ऑनर कहे जाते हैं, मतलब कि बेसबॉल का ऑनर इंग्लैंड की टीम, जिसके खिलाफ उन्होंने 712 रन ठोक दिए थे। इंग्लैंड के टॉप स्पिनर टॉम हार्टले ने इससे जब नाथन लियान ने बात की तो उन्होंने बताया कि भाई इन सब लड़कों में यशस्वी जायसवाल सबसे बेहतरीन लड़का है, सबसे बेहतरीन तरीके से शॉट खेलता है और सबसे बेहतरीन है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को सता रहा है जायसवाल का ज़्यादा डर, क्योंकि भाई यशस्वी जायसवाल का गेम बहुत ही अलग लेवल का है। अगर आप T20 रिकॉर्ड्स भी उठा के देखोगे तो भाई वो बंदा अलग है। उसने 23 T20 मैच खेल रखे हैं, 723 रन बना रखे हैं, जिसमें उन्होंने दोस्तों अब तक टोटल 38 छक्के और 82 चौके मारे हैं, 5 अर्धशतक और 1 शतक मार रखा है। ये बात जो मैंने बताई है ये दोस्तों बात T20 की है, और उसके बाद T20 से डायरेक्ट रेड बॉल क्रिकेट में जब ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पर यशस्वी जायसवाल, तो दोस्तों उन्होंने 9 मैचेस में दोस्तों 16 इनिंग्स खेल रखी हैं, जहाँ पर दोस्तों एक बार नॉट आउट रहे हैं और अब तक 1028 रन बना चुके हैं और 214 रन हाईएस्ट स्कोर है, 3 शतक और 4 अर्धशतक अब तक लगाए हुए हैं। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो भाई यशस्वी जायसवाल का जो करियर स्टेट्स है वो काफ़ी बेहतरीन है, और उन्होंने डायरेक्ट जब टेस्ट में एंट्री की थी तो उनका डेब्यू ही शानदार रहा, 179 रन पहले ही मैच उन्होंने बना दिया था, जो कि काफ़ी शानदार रहा, देखने में काफ़ी अच्छा लगा लोगों को। और यशस्वी जायसवाल के रूप में भारत को एक टेस्ट प्लेयर भी मिला है, एक T20 प्लेयर भी मिला है, और हम सब जानते हैं जिस दिन दोस्तों इन्होंने डेब्यू किया ODI में, उस दिन ये शुभमन गिल की ODI में जगह खा जाएंगे। यशस्वी जायसवाल की ये परफॉर्मेंस देख के दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम को लग रहा है डर, क्योंकि भाई इस तरीके की परफॉर्मेंस अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दे दी तो भाई ऑस्ट्रेलियाई टीम टिक नहीं पाएगी यशस्वी जायसवाल के सामने, क्योंकि यशस्वी जायसवाल वो लड़के हैं जो डायरेक्ट वाइट T20 क्रिकेट एकदम फास्टेस्ट क्रिकेट से ट्रांसफ़र हो जाते हैं डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट में। ODI से उन्होंने अभी तक एक मैच भी नहीं खेल रखा है। दोस्तों एक लड़का जो वाइट क्रिकेट की सबसे फास्ट क्रिकेट खेल रहा है, वही लड़का रेड बॉल क्रिकेट में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, तो इससे हम लोग यशस्वी जायसवाल की क्वालिटी समझ सकते हैं। यशस्वी जायसवाल बेस्ट प्लेयर हैं, टीम इंडिया के ओपनर हो चुके हैं, जो कि शुभमन गिल को रिप्लेस कर चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से रन बनाते हैं। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल के ऊपर लोगों का फोकस काफ़ी ज़्यादा रहेगा कि भाई ये बंदा, ये लड़का कितना रन बनाता है और किस तरीके से बनाता है। दोस्तों इसी के बारे में जब नाथन लियान ने बात की टॉम हार्टले से, जो कि इंग्लैंड के टॉप स्पिनर हैं, तो दोस्तों उन्होंने बताया कि मैं तो सबको परेशान कर रहा था, लेकिन एक लड़का था यशस्वी जायसवाल जिसको मैं नहीं परेशान कर पा रहा था, वो उल्टा मुझे परेशान कर रहा था, उसने मुझे बहुत रन मारे थे। तो दोस्तों ये बात जब नाथन लियान को पता चली तो उन्होंने अपने बयान में बोला कि भाई यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन लड़का है, उसको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रन बनाने लगेगा और ओपनर है और वो बड़ी बड़ी पारियां खेल रहा है, अभी केवल उसने 9 मैचेस खेल रखे हैं और उसने 1028 रन भी बना लिए, कंप्लीट कर लिए हैं, तो दोस्तों वो लड़के की परफॉर्मेंस शानदार है। और दोस्तों उसकी एवरेज की बात कर ले तो 70 का उसका एवरेज है दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन माना जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर इंग्लैंड की टीम के खिलाफ बात कर ले तो 89 के एवरेज से उन्होंने रन बनाया था, तो दोस्तों ये काफ़ी शानदार है। अब तक वो एक दोहरा शतक भी मार चुके हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 214 रन है, वो भी नॉट आउट थे। तो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल शानदार प्लेयर है और एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर के रूप में उभर के आए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को डर दिखा रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।